हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉटर ऑफ गीता में। और ये शाम का वक्त है। आज मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में थोड़ी सी बहस हो गई थी, मतलब ऐसी नोक झोंक। उन्होंने कहा कि मैं आज शाम का खाना मैं बनाऊंगा, तो वो ये आटा गूंथ रहे हैं और वो आज सब्जी भी बनाने वाले हैं, फूल गोभी और आलू की। जब वो बैचलर थे तो दो तीन दोस्तों के साथ रहते थे और जॉब करते थे, तो वो खाना भी बनाते थे। बट मेरे को आज तक 3 साल हो गया नहीं खिलाया है, आज वो खिला रहे हैं। और यहाँ पे जो मेरी सासू माँ है, उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो घर पे गिर चुकी है कुछ दिन पहले, तो उनका ऑपरेशन हुआ है। यहाँ पे ये आया रखे हैं इनको, और ये बहुत अच्छी है, ये उनका मालिश वगैरह कर रही है। तो वही मेरी सासू माँ कह रही है कि ये तुम्हारी ननद है, तो हाँ भाई ये मेरी ननद ही है। अभी तो बाथरूम में नहीं जा सकती हैं, लेकिन बोल रही हैं कि बाथरूम में जाना है, देख लो। यहाँ से यहाँ नहीं हटी हटी के पा पा कर सकती हैं। और ये हमारे ससुर जी टीवी देख रहे हैं, इनको न्यूज वॉर मैच बड़ा ही पसंद है। ये मेरी ननद है, ननद माने कि ननद है, तो ये मेरी छत्तीसगढ़िया ननद है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का वो। ए दीदी कैसे देखा थे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने फूल गोभी और आलू को काट के रख दिया है, और ये बनाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे कढ़ाई वगैरह रख रहे हैं, देखते हैं कैसा बनता है। अभी हम कर रहे हैं पानी के सूखने का इंतज़ार, उसके बाद हमारे हस्बैंड जो है वो आज का खाना बनाने वाले हैं। करीबन मुझे 3 साल हो रहे हैं शादी को, फरवरी में 3 साल हो जाएगा। तो आज पहली बार मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। अब ये कढ़ाई में तेल जा रहा है, सरसों का तेल, उसमें भी हमको पूछ रहे हैं देख भी मतलब देखना। हाँ बस ऐसे पूछ के बना रहे, ऐसे पूछ के थोड़ी बनाया जाता है भाई, बोलते हैं हमको सब आता है। ये फ्राई कर रहे हैं एक एक तो फूल गोभी, ये हमारा छोटा बेटा जो कचरा है उसमें से उसका डंडल उनको तोड़ रहा है कि कुछ बाबू है काचो। अब ये प्याज ले रहे हैं यहाँ से, देखिए यहाँ पे 2 ठो प्याज निकाले हैं। और पल पल मुझसे पूछा जा रहा है कि इसको कैसे बनाए, इसको कैसे काटे। ये देखो, इसको देख लो, ये मेरा छोटा बाबा का की कोच्चो बाबू, तुम्हें है बाबू की कोच्चो ओ काचो रान्ना कोड़ भी रान्ना। ये देखो सब्जी बना रहा है एक जन इधर, की कोच्चो चोबजी बनाचो। फ्राई होने के कगार पे, बट फ्लेम को थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिए हैं, जिस कारण से ऐसा लग रहा है कि वो जलने लगा है। वो देखिए हमारा जो है फूलगोभी वो फ्राई हो चुका है, यहाँ पे मसाले कट चुके हैं, और ये अब जा रहा है फिर से तेल कढ़ाई में। यहाँ पे तेल में जीरा मिर्ची और प्याज डल चुका है, उसको फ्राई कर रहे हैं। इस बीच हम लोग के बीच में एक बार झगड़ा हो चुका है, मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ, तो बोलते हैं कि मत जाओ वरना मैं बना नहीं पाऊंगा। हाँ कम कर दो। ये गया नमक, और बोल रही हूँ चम्मच से डालो, तो बोलते नहीं मैं हाथ से ही डालता हूँ। हल्दी डाल दिए हैं,
और मसाला अभी आधा अभी कच्चा ही है। ये मसाला मुझे लग रहा है थोड़ा कम है, पर कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, पर कहते हैं कि मैं बहुत बार बना चुका हूँ, तो देखते हैं कैसा बनता है। और ये अब जो फ्राई गोभी और आलू था ये अब अंदर जा रहा है इसके, अब इसको मिक्स करेंगे हम। यहाँ पे ये फ्राई हो रहा है, फ्राई हो रहा है, मसाला कम हो गया है पर फिर भी फ्राई हो रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा भैया जी ने कैसे बनाया, आप लोगों के भैया जी ने या आपके जीजा जी ने कैसे बनाया है सब्जी। और मुझसे पूछ पूछ के बनाया जा रहा है। मैं तो ऐसा नहीं बनाती हूँ, मैं तो पेस्ट बना के बनाती हूँ, पर ये आज अपने तरीके से बना रहे हैं। देखो ढक दे रहे हैं सब्जी को, अब बस इसको ढक दिया गया है। और यहाँ पे जीत जो है देखिए जामा कपड़ा लेके आ गए हैं अपने पापा का, यहाँ पे ढक के अब पता नहीं कितने देर तक इसको पकाएंगे, देखते हैं। यहाँ पे आके अपनी माता राम से सलाह मशवरा लिया जा रहा है, सलाह मशवरा कि कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पे जो है गोभी वो पक नहीं रहा था और मसाला भी कम था, तो उन्होंने हार मान ली और मुझे कहा कि थोड़ा सा देखने के लिए, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है एक कटोरी जैसा, और आधा मतलब 2 से 3 बड़े चम्मच टोमेटो केचप जो होता है टोमेटो सॉस वो इसमें डाली हूँ, और इसको मैं अब थोड़ा पकाऊंगी ढक के। और ये सब्जी जो है ये पक चुकी है, दिखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रही है, अच्छा ही बनाया है उन्होंने, ऐसा भी बनाया है। ये देखिए सब गल चुका है, तो हम इसको उतार लेते हैं। ये बन के तैयार हमारा फाइनल लुक, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, ये बहुत ही अच्छा बना है। आज मेरे जीवन का मतलब विवाहित जीवन का 3 साल में जो आज का जो दिन है वो बहुत ही अच्छा है।